भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। भागलपुर के बरारी थाना स्थित SM कॉलेज घाट पर श्री राम अपार्टमेंट में रह रहे युवक स्नान करने के लिए घाट पर गए, वहीं अचानक गंगा की तेज धार में 4 युवक डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने 3 युवक को किसी तरह निकाल लिया, वहीं एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। गंगा स्नान करने के लिए लॉज से 6 युवक गए थे, जिसमें से आदित्य गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। इसके बाद आदित्य के 3 साथी बचाने के लिए कूद गए, जिसके बाद 4 युवक गंगा में डूबने लगा। इसमें से 3 युवकों को पास के लोगों ने गंगा से सुरक्षित निकाल लिया, जबकि मधेपुरा के पुरैनी का रहने वाला आदित्य राज गंगा के पानी में डूब गया। इसके बाद SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई। आधे घंटे से अधिक समय तक SDRF की टीम के द्वारा गोताखोरों की मदद से आदित्य का शव गंगा से बरामद कर लिया गया। गंगा स्नान करने के लिए कुल 6 युवक गए हुए थे, जिनमें आदित्य जब गंगा में डूबने लगा तब उसे बचाने के लिए 3 और उसके साथी गंगा में कूद गए, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा 3 युवकों को गंगा से निकाल लिया गया, जबकि आदित्य गंगा में ही डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गंगा में नहाने गए सभी युवक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के छात्र थे। हम विक्की, आदित्य, आरव, अनुभव और अरमान। कैसे, कई लड़का डूबने लगे? 4। तो आदित्य क्या बाद में गया था नहाने के? क्या हुआ? नहीं, वो आया अचानक से, आगे चला गया था। हाँ। तो उसका शायद पैर फिसला, तो वो डूब रहा था, तो हम सब गए थे उसको बचाने के लिए। हम सब को तैरने नहीं आता है ना, तो वो बिक्की गया बुलाने के लिए भैया को, तो भैया आए, तब जब तक आए दो को तो निकाल लिए, लेकिन एक वो अंदर ही रह गया। भागलपुर में आज बिहुला बिसरी प्रतिमा का भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। वहीं भागलपुर में बिहुला बिसरी की 50 से अधिक संख्या में प्रतिमा लाइन में लगी रही, जो तकरीबन 12:30 बजे भागलपुर स्टेशन चौक पर पहुंची। पहली प्रतिमा प्रबत्ती की स्टेशन चौक से शुरू होकर सूजागंज बाजार, खलीपाबाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, आदमपुर, छोटी खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर होते हुए मुसहरी विसर्जन घाट पहुंची, जहां प्रतिमा के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विसर्जन घाट पर अस्थायी तालाब बनाए गए हैं, तालाब में लोहे के बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं पंपिंग सेट से पानी भरा गया है, जहां सभी प्रतिमाओं को एक एक कर विसर्जित किया जा रहा है। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई ट्रैफिक रूट को डायवर्ट भी किया गया। इसके अलावा शोभा यात्रा के दौरान बिजली विभाग के द्वारा लोगों को सूचित भी कर दिया गया कि विसर्जन के दौरान शहर की बिजली काटी जाएगी। पूरे विसर्जन शोभा यात्रा में निगरानी के लिए मनसा बिसरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के स्टॉल भागलपुर स्टेशन चौक और विसर्जन घाट पर बनाए गए, जहां से विसर्जन यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसको लेकर मनसा बिसरी केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा कि सभी प्रतिमाओं को कतारबद्ध कर लिया गया और बारी बारी से काफी ढंग से प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। वहीं मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि सभी मंदिर के मठाधीश को अनुशासन में रहकर विसर्जन करने का आदेश भी पारित कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर खुद SDM धनंजय कुमार ने कमांड संभाल रखा है, वो अपने दलबल के साथ सुरक्षा को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही वीडियोग्राफी एवं CCTV कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के लिए हमारी विशेष टीम भी काफी सजग है। विसर्जन शोभा यात्रा भागलपुर के स्टेशन चौक से प्रारंभ हुआ, जहां मनसा बिसरी केंद्रीय महारानी पूजा कमेटी के लोगों ने बिहुला बिसरी की प्रतिमा का आरती किया और हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। अभी एक महीना से पूजा अर्चना प्रत्येक मंदिर में हो रही थी। 16 के मध्यरात्रि कलश स्थापना हुई, 17-18 डलिया चढ़ी और नाथनगर की प्रतिमाएं अपने चंपन नल अति में वहीं पर विसर्जित हुई। आज टाउन की शोभा यात्रा है, यहां पर 12:45 में पर्वती को टाइम दिया गया था। पर्वती अग्रसर रहती है, प्रत्येक साल की भांति विसहरी पूजा में ये लोग सभी टाइम से पहले आ जाते हैं। आज भी उन्होंने अपना परपन दिखलाया और यह अग्रसर रहेगी। ज्यों ज्यों प्रतिमाएं आती जाएगी, कतारबद्ध होती जाएगी, कम से कम 40 से ऊपर प्रतिमाएं इस रूट से जाएगी और करीब 15 से 20 प्रतिमाएं जो है रिफ्यूजी की, वहीं पर तलाव एक अपना वो लोग बनाया है, उसमें विसर्जित करेगा। हमारी होती है शहरी, उसमें से एक और जो भी हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उस मुताबिक ज्वाइंट ऑर्डर से डेमोनेशन किया गया है। साथ ही साथ हर एक जुलूस के साथ आना तो है ही, साथ ही साथ QRT की टीम गठित की गई है जो जुलूस के आगे और पीछे चल रही है। इसके अलावा वीडियोग्राफर, CCTV एवं
ड्रोन की मदद से सभी जुलूसों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करे तो हम लोग उस पर नियंत्रण करते हुए उन पे कार्रवाई उम्मीद है कि हम लोग आपकी रक्षा बंधन को खास बनाने के लिए लुक सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षा बंधन को सेलिब्रेट करें लुक सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हां, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हां, जेंट्स के लिए 650 रुपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला क्लीनअप और डिटेन मात्र 1650 रुपए में, 1900 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रुपए में, 1600 रुपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रुपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रुपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला क्लीनअप और डिटेन मात्र 1650 रुपए में, 2100 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रुपए में। मतलब लुक सलोन के साथ अभी रक्षा बंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफा बाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। वैसे तो भागलपुर शहर सिल्क के नाम से विख्यात है, लेकिन भागलपुर के नाथनगर की बालूशाही की एक अलग ही पहचान है। नाथनगर की बालूशाही की देश ही नहीं विदेशों में भी लोग इसका स्वाद चख रहे हैं। नाथनगर की बालूशाही 70 वर्षों से एक ही स्वाद के लिए काफी विख्यात है। नाथनगर के बालूशाही को शुद्ध घी में पौराणिक परंपरा से अभी भी बनाई जाती है। इसमें किसी भी तरह की मशीन का व्यवहार नहीं किया जा रहा, इसे हाथ से बनाया जाता है। साथ ही इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। गौरतलब है कि नाथनगर के मधुसूदन लाल जैन ने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया था, उसके बाद उनके पुत्र अशोक जैन और उसके बाद अजीत जैन ने इसे आगे बढ़ाया। आज 3 पीढ़ी के बाद अजय कुमार जैन भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और 70 वर्षों पहले जो स्वाद लोगों ने चखा, वही स्वाद और वही बनाने के तरीके को बरकरार रखते हुए पौराणिक पारंपरिक मिठाई बालूशाही आज भी अजय कुमार जैन बना रहे हैं। और इस बालूशाही से पूरे नाथनगर को जाना जाता है। इसकी कीमत मात्र 320 रुपए किलो है, जो शुद्ध घी में तैयार किया जाता है। बालूशाही एक प्रकार का पारंपरिक पकवान है जो मैदा और चीनी से बनाया जाता है। बालूशाही मैदा आटे से बनती है और गहरी घी में तली जाती है, इसके बाद उसे चीनी की चाशनी में डुबाया जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से बालूशाही उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाई है, लेकिन नाथनगर के बालूशाही की स्वाद की बात ही कुछ अलग है। बालूशाही चमकता हुआ डोनट के समान दिखता है, लेकिन इसकी परत बनावट और क्रंची स्वाद के साथ भिन्न है। बालूशाही को कहीं बादूसा रेसिपी तो कहीं बादूसा मिठाई तो कहीं टिकरी भी कहा जाता है। बालूशाही की दुकान चला रहे अजय कुमार जैन ने बताया कि हम लोग अभी भी 70 वर्ष पुराने स्वाद को बरकरार रखे हैं। इसका मुख्य पैमाना पौराणिक परंपरा है। आज भी हम लोग किसी भी मशीन का उपयोग नहीं करते, इसे हाथ से ही बनाते हैं और शुद्धता का इसमें विशेष ख्याल रखा जाता है, और इसे शुद्ध घी से ही बनाया जाता है। इसलिए हमारा बनाया हुआ बालूशाही अपना देश ही नहीं विदेशों में भी भेजा जाता है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं। पारंपरिक भारतीय मिठाई बालूशाही को पसंद करने वाले रतन कुमार और शैलेश राजहंस ने बताया कि हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से अभी तक नाथनगर की बालूशाही खा रहे हैं। यहाँ के जैसा किसी भी बालूशाही में स्वाद हमें नहीं मिलता। यहाँ काफी पौराणिक परंपरा से इसे तैयार किया जाता है, इसलिए इसे अपने देश ही नहीं विदेशों में भी काफी पसंद किया जा रहा है। हम लोग भी संदेश के तौर पर नाथनगर की शुद्ध घी में बनी बालूशाही लोगों को भेंट करते हैं। सबसे बड़ा बात है, शुद्ध घी से बनाई जाती है और पुरानी परंपरा से बनाई जाती है। कोई मशीन वशीन का यूज नहीं होता है, हाथ से बनाई जाती है। इसको सारा प्रोसेस हाथ से है और मतलब एकदम शुद्धता का ख्याल रख के बनाया जाता है। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ का बालूशाही? ऑल ओवर इंडिया, विदेश अब्रॉड भी जाता ही रहता है, सब जगह से लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए। अच्छा, कुछ लोग इसको टिकरी कहता है, टिकरी और बालूशाही में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लोकल नाम टिकरी का है। ऐसे बालूशाही ऑल ओवर इंडिया में आदमी नाम बोलता है तो बालूशाही बाहर के आदमी बालूशाही इसको बोलते हैं। अच्छा, आम जगहों पर ये नहीं मिलता?
नहीं, इस तरह का बालूशाही आम जगह पर नहीं मिलेगा। इसकी जो रोमा है, इसका स्वाद है, यही बनता है। कितने वर्षों से ये? 60 साल से, लगभग 70 साल से, मतलब ऐसे ही बनते आ रहा है और ऐसे ही चल रहा है। हमारे दादाजी थे मसूदन लाल जी जैन, उन्हीं से ये चालू हुआ। उनके बाद उनके पुत्र आए श्री अशोक कुमार जी ने, उनके बाद उनके पुत्र आए अजीत कुमार जैन। आज तक मतलब 3 पीढ़ी से ही ऐसे कार्य चल रहा है। कैसे केजी मिल जाता है यहाँ? 320 रुपया किलो मिलता है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है ना पैकेजिंग का। कहाँ सबसे हाईएस्ट जगह जो बाहर गया, वो कहाँ गया? ज़्यादा दिल्ली बहुत जाता है, बेंगलोर भी जाता है। दिल्ली और बेंगलोर जाता है, बॉम्बे जाता है। सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ का बालूशाही काफ़ी फेमस है, दूर दूर तक लोग जाते हैं, और इसके जैसा स्वाद शायद कहीं पर नहीं मिल रहा। क्या खास क्या होता है? खास इसका स्वाद है। अच्छा, जो घी के शुद्धता से आता है वो हम लोग को यहाँ मिलता है, वो कहीं नहीं अवेलेबल है। शुद्ध घी से यहाँ? जी जी जी। कब से बन रहा है? मैं तो बचपन से ही जान रहा हूँ, ये निश्चित पता नहीं कब से है। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ का? ये मैं तो देख रहा हूँ, मैं दिल्ली बॉम्बे भी गया, लेकिन वहाँ का नाम भी उस दुकान का आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कुमार है। तो बहुत जगह खाए मार्केट में, लेकिन जो यहाँ स्वाद है वो कहीं भी खोजने से नहीं मिलता है। कई जगह टेस्ट भी किए जा कर के, लेकिन ये स्वाद वहाँ नहीं मिलता, ये क्वालिटी भी वहाँ नहीं मिलता। बहुत दिनों से खा रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आता है इस मिठाई में। बहुत अच्छा। क्या नाम है? शैलेश राजहंस। खास है कि मेन शुद्ध घी का बना हुआ होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, कभी दर्द में जब रहता है तो ख़राब नहीं होता है, ये विदेश तक जाता है। कैसा स्वाद लगता है यहाँ? स्वाद तो खैर भागलपुर में इसके जोड़ का है ही नहीं, कोई मिठाई नहीं है, कोई नहीं है इसके जैसा। इतनी बालूशाही जो है अभी भागलपुर को थोड़े दिल्ली तक जाता है, बिहार में तो अलग बात है। बड़े बड़े तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जहां लगातार आंदोलन का दौर देखा जाता है, वहीं छात्रों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा जुलाई माह से सप्ताह के हर एक शनिवार को छात्र दरबार लगाने का निर्णय लिया गया है, जो लगातार जारी है। छात्र दरबार में जहाँ परीक्षा विभाग से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जाता है, वहीं छात्रों को डिग्री भी हाथों हाथ दी जा रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कुलपति का भी कहना है कि यह व्यवस्था उनके रहते आगे भी जारी रहेगी, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। वहीं इस दौरान छात्र व छात्राओं ने कहा कि अगर पहले यह व्यवस्था चालू रहती तो हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कुछ छात्र लगातार अपने सर्टिफिकेट को लेकर लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर काट कर थक चुके थे और कुलपति के द्वारा छात्र दरबार के दौरान मिल रहे हैं प्रमाण पत्र को लेकर छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों का विश्वास जगा है, एकमात्र मैं कहना चाहता हूँ। छात्र दरबार में समझता 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और यह 5वां दरबार है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज छात्र दरबार में बैठे हुए छात्र छात्राओं की संख्या 198 है, 198 है, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे मात्र 33 था। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास बढ़ा है। जो छात्र हमारे यहाँ नाराबाजी, इससे मिले उससे मिले, पूरे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डिस्टर्ब, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का मेन गेट तोड़ा गया, मुझे लगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। मूल प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आए हुए थे, स्टेट का फॉर्म भरना था ना, 23 तक डेट ही है, इसीलिए हम लोग को जरूरी था। कब इसके लिए एप्लीकेशन किए थे आप? हम पिछले साल किए थे जून में, 22 में। कितना दौड़ना पड़ा? दौड़ना तो पड़ा ही, यहाँ पे टाइम पे होता ही नहीं है कुछ भी। छात्र दरबार जो लग रहा है तो इससे क्या फायदा है? लग तो रहा है कि फायदा होगा, अभी अभी तो बोले हैं सर कि आप लोग को मिलेगा। हाँ मिलेगा अभी, हाँ आज तो उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा। कितना खुशी है इसको लेकर, जितना दौड़े और आज मिल रहा है तो कैसा बुझा? अभी पूरी तरह खुशी नहीं है, जब मिल जाएगा तभी खुशी होगी, अभी तो मिला नहीं है ना। मिला नहीं, उम्मीद है कि मिलेगा आज। आज मिलेगा? हाँ आज मिल जाएगा। आपने गौर किया होगा कि बरसात के वक्त और उसके ठीक बाद के त्योहारी सीजन में प्रकृति प्रदत्त धूमना का इस्तेमाल बढ़ जाता है, खासकर भारतीय परंपरा में ऐसा देखा जा रहा है। अगर बिसरी पूजा, मनसा पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान गौर करें तो धूमना डांस के साथ वंदन और नमन आपको दिख जाएगा। जानकार बताते हैं कि बरसात के दौरान कई तरह के वायरस और कीटाणु वातावरण में पनपते हैं, जो आम इंसान के सेहत के लिए घातक होता है। पर्यावरण स्वच्छ रहे, समाज स्वस्थ रहे, उसके हिसाब
हिसाब से प्रकृति ने पुरातन काल से ही सनातन परंपरा के माध्यम से इशारा किया है जो आज भी आम भारतीय निभा रहे हैं। कहीं धुमना का इस्तेमाल होता है तो कहीं लुभान का इस्तेमाल होता है, मकसद प्राणवायु में स्वच्छता लाना है। जिसमें आपने कहा धुमना, गुगुल, नीम के पत्ते, ये सब प्राकृतिक चीज है। धुमना विशेष है खानों से निकलती है, गुगुल हमारे गाछों से आता है, नीम का पत्ता डालना हमारे बहुत ज़्यादा काम है। ये आपके वायुमंडल जो वायरस होता है, जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं बरसात के बाद ही। बरसात के बाद में विशेष छोटे छोटे कीटाणु बनाते हैं, चूँकि आपका मॉइस्चर नमी कमज़ोर होता है मौसम में, वो सब हमारे सारे जीव जंतु पनपते हैं। तो उसको हमारे शरीर को अच्छे चीज़ भी हैं और बुरे चीज़ भी हमारे अंदर में शरीर में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो ये गुड बैक्टीरिया कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, प्राकृतिक चीज। धूमना जो है ना वह प्रकृति के वातावरण को स्वच्छ करती है और इससे कई कीटाणु का नाश होता है, जिससे डिजिटल इंडिया में लोग सब इसको नहीं माने, लेकिन हम तो इसको मानते हैं। यह परंपरा है, जैसे पौराणिक बहुत तरह का कीटाणु ऐसा है जो कि कोई रोग कोई दवाएं उसमें काम नहीं करती है, लेकिन ये धूमना वाला जो है जो लेकर के अपना यूज करते हैं पूजा में, या भगत लोग जो धूमना लेके करते हैं, उससे वातावरण में काफ़ी कहा जाए कि जो नहीं दवाएं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में तस्वीर अब भी बदतर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर की नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत उच्च विद्यालय सैदपुर की, जहां से ऐसी तस्वीर आई है जो यह दर्शा रही है कि सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है। इस विद्यालय में छात्र छाता लगाकर पढ़ाई करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बारिश होने के बाद छत से काफी पानी टपकता है, जिसके बाद छात्रों को पढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा छात्रों को एक हाथ से छाता पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से कलम चलाना होता है। छत से पानी टपकता है, भवन पूरी तरह से जर्जर है। बता दें, इस विद्यालय की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। इस विद्यालय ने देश को कई होनहार अधिकारी दिए, लेकिन यह विद्यालय अब अपने बदहाली और बद इंतजामी पर आंसू बहा रहा है। 13 वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा नए भवन के निर्माण के लिए 26 लाख रुपए दिए गए थे। इसके बाद संवेदक ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने संवेदक को सो काज कर काम रुकवा दिया। महज 13 लाख रुपए का काम हुआ, वह भवन अर्धनिर्मित पड़ा है। प्रभारी प्राध्यापक ने बताया कि विद्यालय के वर्ग में बरसात के समय पानी की टपकने से पठन पाठन सही से नहीं हो रहा। छत से बरसात के समय पानी रिसाव के कारण बेंच डेस्क वापस कर बर्बाद हो रहे हैं। बरसात के दिनों में बच्चे डर से कम पढ़ने आते हैं। जिला के शिक्षा विभाग को प्रत्येक वर्ष पत्र के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। बहरहाल, कब तक विद्यालय की सूरत बदलनी है देखना शेष है। सर, यहाँ पे जो छत है वहाँ बारिश के मौसम में यहाँ बहुत अधिक छत से पानी टपकता है। यहाँ पे जो शिक्षक है और हम लोग हैं जो जोखिम में डाल के पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो छत के समय बारिश के समय में बहुत पानी जर्जर हो जाता है, पूरे क्लास में भर जाता है पूरा पानी। यहाँ बारिश से छत बहुत चूता है, जिसके कारण हम लोग स्कूल नहीं आना चाहते हैं, और पढ़ाई लिखाई नहीं पा रहा, इसके समय में क्या स्थिति रहता है? पूरा स्कूल में पानी हो जाता है। यह विद्यालय जो है सर 1941 का बना हुआ है, और उस समय से भी इस विद्यालय में कोई सरकारी वर्क नहीं हुआ है, जिसका तस पड़ा हुआ है। जो छत है वो भी जर्जर है, चूता है। बच्चे किसी तरह बैठते हैं जब वर्षा नहीं होती है, वर्षा होने के बाद इस रूम को बंद कर देते हैं और किसी तरह उसको एडजस्ट करके पढ़ाई करते हैं। हाँ, विभाग को कई बार जानकारी दी गई है, यहाँ तक कि प्रत्येक रूम का फोटो लेकर के कैमरे का पहुँचाया गया है। तो सरकारी प्रशासन कुछ नहीं लेंगे, वो तो बाहर ही बाहर भाग जाएंगे। सारी जवाबदेही तो हमारी है। हम इस स्कूल के प्रभारी प्राध्यापक बोल रहे हैं। हम भी बच्चे को जब वर्षा होती है तो यहाँ से निकाल देते हैं। बहुत सारे ग्रामीण लोग आते हैं, वर्षा होने के बाद बच्चों को विद्यालय नहीं आने देते हैं। हवा निर्माण को लेकर आप पहल किए हैं?
भवन निर्माण के लिए भी DPO और DO को सूचना दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका कोई संतुष्टजनक बात नहीं हुआ है। पहले के BO थे, उनको भी कहे थे, वो भी विजय बाबू। सबसे बड़ा कि ये हमारे गांव का एक प्रतिष्ठा है, और ये जो स्कूल देख रहे खड़े हैं तो लगता है कि सब माथे पर देखे पानी गिर रहा है। बच्चे बैठेंगे कहाँ, 400-450 विद्यार्थी है यहाँ पर, और मांग तो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से, और कई बार हम लोग इसका मुद्दा उठाए। तभी तो हम लोग का भाजपा जदयू एक साथ ही थे, तभी भी हम लोगों ने उठाया। अभी तो अब किसको कहें, कहने में बनता नहीं, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग बोलेंगे। 41 का स्कूल है, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है, अंग्रेज जमाने का है, और जो हम लोग का पूर्वज बना के गया है, सरकार का एक पैसा नहीं है इसमें। सरकार बता दे कि हम एक पैसा आज तक कोई फंड दिए हैं इसमें। एक दिया भी था 10+2 के लिए, अधूरा है, जो आधा अधूरा मकान है वो भी गिर गया, आधा पैसा वापस हो गया। क्यों बाबू, ऐसा क्यों हो रहा है? भागलपुर जिले में अगर सरपंच की दबंगई देखना हो तो आप सीधे आ जाइए लोदीपुर थाना अंतर्गत बिशनपुर जिच्छो, जहां सरपंच की दबंगई सर चढ़कर बोल रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिच्छो पंचायत की सरपंच का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो लोगों पर अपना जमकर रौब दिखाते हैं और उनकी बातें नहीं मानने वालों की जमकर पिटाई भी कर देते हैं। अपने ही पंचायत के ग्रामीण घनश्याम मंडल को सरपंच दिनेश राम ने इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी वो ICU वार्ड में भर्ती है। वो ऐसा तानाशाह सरपंच है कि उस युवक को सरपंच ने पहले जमकर पीटा और हॉस्पिटल भी ले गया। वहीं इस घटना को लेकर देर रात आक्रोशित कोहड़ा गाँव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोदीपुर थाना पहुंचे और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं सरपंच के खिलाफ लोदीपुर पुलिस ने ग्रामीणों के समक्ष पीड़ित के परिजनों से आवेदन ले लिया, साथ ही सरपंच को भी थाने में पूछताछ के लिए रखा गया है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच पर अनेक आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना पैसे के वे पंचायत भी नहीं करते। बोला कि मारपीट किया है। कौन मारा है? दिनेश राम। अरुणीलाल। दिनेश राम कौन है? सरपंच। सरपंच है, कहाँ घर हुआ आपका? कोढ़ा। मारपीट कर ले के? दिनेश राम। दिनेश राम किसको मारा है? क्या हुआ है उसके साथ? मार किया है सरपंच साथ में। क्या नाम है सरपंच का? दिनेश मंडल। दिनेश मंडल, दिनेश राम। क्यों मारा उसको? गरागरी किया है घर द्वार के हिसाब में कि सरपंच साहब का ही नहीं, तुम उनको घर दिया। आपका पति जो है गाली गलौज किया था, इसलिए वो मारपीट किया। अभी कैसा स्थिति उसका, कैसा है? नहीं कुछ बोल सकता है, नहीं बैठ सकता है, ना कुछ स्थिति खराब है। हाँ। तो थाना वाला फोन किए? हाँ। आया थाना वाला? आया। क्या बोला? जाइए थाना पे, जाइए केस के लिए वहाँ से। बहुत गलत है सर, और इसका मतलब कि जो है कहानी बहुत गंदा है सर। ये कई बार हो चुका, इसका जो समाज थोड़ा सा महसूस कर लिया, लेकिन अब महसूस नहीं करेंगे सर। इसका हम लोगों को फैसला चाहिए, इसको सजा मिलना चाहिए। ये बहुत गलत आदमी है, किसी को मार के गिरा देना ये क्या अच्छा बात है सर? इसको सजा से सजा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा सजा इसको मिलना चाहिए। ये पहली घटना है कि और कभी? नहीं, बहुत इसका घटना हो चुका सर, इसलिए समाज उठ के आया है। क्या घटना? ऐसे हाँ, पूरा गाँव सर, अभी भी चाहेंगे तो पूरा समाज और आएगा सर। लेकिन इसका बहुत गलत। मेरा नाम है छाया देवी।